मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के दीनदयाल प्लस टू उच्च विद्यालय के प्रांगण में फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब उमगांव के द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि कप प्रतियोगिता T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में स्टार 11 हरिणी की टीम ने जयनगर की टीम को 7 विकेट से हराकर विजेता सिल कप पर अपना कब्जा जमाया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जयनगर की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाया, जबकि जवाब में उतरी हरिणी की टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 3 विकेट के नुकसान पर ही जयनगर की टीम को पराजित कर दी। इस मौके पर मधुबनी जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव व अंबिका गुलाब यादव के हाथों विजेता टीम को सिल्वर कप प्रदान किया गया, जबकि उप विजेता टीम को FCC टूर्नामेंट के प्रायोजक तेजस TVS के संचालक डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा के हाथों सिल्ड कप दिया गया। मैन ऑफ द मैच हरिणी टीम के खिलाड़ी सोनू गुप्ता को भाजपा के वरिष्ठ नेता गौरी शंकर महतो ने दी। वहीं FCC की ओर से विजेता टीम को 21,000 व उपविजेता टीम को 15,000 रुपये पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी अतिथियों को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग और दोपट्टा से स्वागत किया गया। इस अवसर पर खिलाड़ी को संबोधित करते हुए चेयरमैन बिंदु गुलाब यादव ने कहा कि खेल से शारीरिक विकास ही नहीं बल्कि मानसिक विकास भी होता है। खेल एक तरफ जहां मनोरंजन का बेहतर साधन है तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी है। उन्होंने कहा कि भारत का प्रतिभा गाँव में छुपा हुआ है, युवा ही हमारे देश की आन मान व शान ताकत है। युवा अगर चाहे तो प्रतिभा के बल पर खेल जगत में भी अपना करियर बना सकते हैं, इसके लिए युवाओं में खेल के प्रति जज्बा जुनून होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हर सामाजिक कार्य में मैं आपके साथ हूं। इस दौरान जिले वासियों की हर समस्याओं में साथ देने समेत कई मुख्य बातें भी उन्होंने कही। इस मौके पर अतिथि के रूप में सुरसंड के BDO देवेंद्र ठाकुर, जिला परिषद सदस्य सीमा यादव, बादल गुप्ता, देवेंद्र यादव, सोटगांव पंचायत के मुखिया उषा देवी, राजद युवा नेता विजय मार्शल, संतोष कुमार महतो, अशोक महतो, राघवेश चौरसिया, मोहम्मद साहिल, हरि मोदी, MSU जिलाध्यक्ष राघवेंद्र रमन, लालाजी समेत अन्य अतिथि के साथ साथ FCC के संचालक भूषण यादव, अध्यक्ष ऋषिकेश झा, रमेश कुमार, राजेश कुमार, मनोज कुमार, जैकी रिजवान, वरिष्ठ सदस्य मिथिलेश झा, अजय प्रसाद गुप्ता, अताउर रहमान, बिंदेश्वर यादव, अंपायर के रूप में रंजन कुमार, शंकर मेहता समेत आयोजन कमेटी के सभी सदस्य मौजूद थे। वहीं फाइनल मैच को देखने हजारों खेल प्रेमियों की भीड़ उमड़ी हुई थी। BNP न्यूज के लिए मधुबनी से संवाददाता हरी संभो की रिपोर्ट। आज मुझे आमंत्रित किया, किसी कारणवश मैच में देख नहीं पाई, लेकिन जैसे पता चला हरने की टीम जीत चुकी है। मधुपुर में भी जब मैच हुआ था मुझे लगता है हरने की टीम ही जीती थी, वहां भी बिना ट्रॉफी मैंने ही इनको दी थी, तो इनका मैच प्रदर्शन मैंने देखा है। तो दोनों ही टीम विनर और रनर अप को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोग आने वालों मैचों के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं, आप लोग अच्छा खेले। अभी इन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स रिलेटेड आप लोगों को जितने भी चैलेंजेस होते हैं आप लोग जरूर सामने लगे, तो मैं आप लोग से ये सेम बात कहना चाहूंगी, स्पोर्ट्स रिलेटेड अगर आपको कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी समस्या आपको लगती है जहाँ पे आप लोग को लगता है कि नहीं अध्यक्ष के पास आपको जाना पड़ेगा, आपको बस एक फोन करना पड़ेगा, हम खुद यहाँ पे आ जाएंगे। आप लोगों ने अपना प्रतिनिधि बहुत सही चुना है, विजय मार्शल जी, आप लोग को मुझे नहीं लगता है मेरे तक आना भी पड़ेगा, मार्शल जी के पास तक समस्या चली जाएगी तो उसका हल भी वहीं से आ ही जाएगा। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।